ने श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया था कि वो दाने दाने को मोहताज हो गया था। आलम यह था कि समूचे श्रीलंका की जनता सड़कों पर आ गई थी। श्रीलंका आज भी उस कंगाली की हालत से उबर नहीं पाया है, लेकिन इस सब के बीच उस दौरान चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को अपने जासूसी जहाज के लिए इस्तेमाल किया था। उस वक्त भी भारत ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन एक बार फिर चीन ने एक ऐसी ही हिमाकत करने की कोशिश की थी, जिसका श्रीलंका ने तगड़ा जवाब दिया है। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने दो टूक कह दिया है कि उनके देश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी धमकी या सैन्य अड्डे के तौर पर नहीं करने दिया जाएगा। विक्रमसिंघे ने साफ कह दिया है कि हम चीन के साथ कोई सैन्य समझौता नहीं करेंगे और तटस्थ बने रहेंगे। विक्रमसिंघे ने ये बयान यूरोप के एक मीडिया हाउस को दिया है। आपको बता दें कि श्रीलंका ने साल 2017 में कर्ज के बदले चीन को 99 साल के लिए अपना हम्बनटोटा बंदरगाह पट्टे पर दिया है। हालांकि श्रीलंका का कहना है कि उसकी सुरक्षा का नियंत्रण श्रीलंका सरकार के हाथों में है। हमने हम्बनटोटा के आसपास के क्षेत्र में एक ब्रिगेड को भी तैनात किया है। आपको बता दें कि पिछले साल इसी बंदरगाह पर चीन के जासूसी जहाज को ठहरने की परमिशन दी गई थी, हालांकि भारत ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी। और इससे पहले साल 2014 में श्रीलंका ने चीन की परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी को अपने एक पोर्ट पर रुकने दिया था, और तब भी भारत और श्रीलंका के रिश्तों में तनाव पैदा हुआ था।